कई हिट गाने गा चुकी और कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार के एक तरफा प्यार में कुछ इस कदर पागल हुई कि उनकी जिंदगी और उनका करियर दोनों बर्बाद हो गई। फिल्म उलझन में सुलक्षणा पंडित को संजीव कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। यहीं से इन्हें एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। सुलक्षणा मन ही मन संजीव कुमार को चाहने लगी। सुलक्षणा संजीव से बेहद प्यार करती थी और उन्होंने संजीव को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन संजीव ने उसे ठुकरा दिया। संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी की मां ने अपनी बेटी से संजीव कुमार की शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया। इसके बाद भी सुलक्षणा ने संजीव को कई बार शादी के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की कि वो उनके चक्कर में ना पड़े। इसके बाद सुलक्षणा ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। सुलक्षणा ने सोच लिया था कि अगर उनकी शादी संजीव कुमार से नहीं हुई तो वो फिर किसी से भी नहीं करेंगी। ऐसे में सुलक्षणा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और वो खुद तक को नहीं पहचान पाती थी। 69 साल की हो चुकी सुलक्षणा पंडित की देखभाल अब उनकी छोटी बहन विजेता पंडित करती है। एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने बताया था कि संजीव कुमार इसलिए मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वो जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है।